देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। नमस्कार, मैं माहिन पठान, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शमशेर खान की खास खबर। क्या जिला अस्पताल में कोविड मरीजों की योग्य जांच की जा रही है? क्या मरीजों को पूरी तरह से दवाई व ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है? आखिर क्या है कोविड मृतकों की संख्या बढ़ने का कारण? संक्रमितों के साथ साथ क्या अन्य मरीजों का भी हो रहा है योग्य इलाज? डॉक्टर व नर्सेस की कमी के कारण असुविधाएं झेल रहे हैं नागरिक। बस ऐसे ही कुछ सवाल इन दिनों नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य विभाग पर उठाए जा रहे हैं। इसी प्रकार के सवालों का खुलासा करने के लिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के संपादक शमशेर खान ने जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर प्रमोद खंडाते से खास मुलाकात की। आइए जानते हैं क्या कहा जिला शल्य चिकित्सक प्रमोद खंडाते ने। सब क्या बताएंगे, उनका कहना है कि सरकारी अस्पताल में बराबर ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण मृत्यु बार बढ़ गया है, और ऊपर से एंटीजन रिपोर्ट की कई बार लोगों का ऐसा कहना है कि रिपोर्ट गलत आती है और पॉजिटिव बताया जाता है। क्या बताएंगे सर इसके बारे में? लोगों का सरासर गलत मैं बोल नहीं सकता, लेकिन पिछले 5-6 महीने से हम जो ईमानदारी से काम कर रहे थे, तो 5-6 महीने तक अपना मृत्यु दर भंडारा जिले का बहुत ही कम था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वर्कलोड बढ़ने से हमारे फिजिशियन जो मेन पिलर है वो पॉजिटिव आने लगे। पॉजिटिव आने के कारण जो दूसरे फिजिशियन थे उनके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा। उसके साथ जो लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, उसमें जैसा कि पहले अगस्त तक बहुत कम लोग थे, अगस्त और सितंबर में पॉजिटिव संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके कारण बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया, और वो वर्कलोड होने से उसके साथ हमारे फिजिशियन भी पॉजिटिव आने से क्वारंटाइन हो गए, और जो दो फिजिशियन थे उनके ऊपर ही पूरा रुग्णालय का भार आ गया। तो उसके कारण भी तो भी ईमानदारी से रखे और जितना हो सके हमारे फिजिशियन ने किया। सर एंटीजन रिपोर्ट के बारे में क्या बताएंगे? लोगों की मानसिकता बनी है कि एंटीजन रिपोर्ट जो है गलत दिशा दिखाती है, कोरोना पॉजिटिव रहने के बाद भी पॉजिटिव बताया जाए। नहीं, जो शासन ने बताया निर्देशानुसार ICMR गाइडलाइन के हिसाब से एंड रैपिड एंटीजन टेस्ट करने से जल्दी से जल्दी रिजल्ट पता चलता है। अगर पॉजिटिव है तो उस परिवार को अलग होने में बहुत आसानी होती है, और उसके बाद अगर वो निगेटिव आ गई है और वो सिम्टोमेटिक है तो हम RT-PCR के लिए सैंपल भेजते हैं, और वो भेजने के बाद रिपोर्ट आने के बाद उनके ऊपर उपचार करते हैं। लोगों को ये धारणा है कि एक जगह वो एंटीजन पॉजिटिव करते हैं फिर दूसरी और चेक करके दूसरी निगेटिव आ जाती है, लेकिन मैं सब लोगों को आह्वान करता हूँ कि एंटीजन ये सिर्फ स्क्रीनिंग मेथड है। तो कभी कभी क्या होता है, एक बार पॉजिटिव का आने के बाद दूसरे बार हो सकता है वो सैंपल बराबर लिया नहीं हो कंसर्न पैथोलॉजिस्ट ने, या फिर उसका टेस्टिंग तो उसमें हो जाता है। लेकिन ये सरासर गलत है कि एंटीजन टेस्टिंग से लोगों में थोड़ा सा संभ्रम है। सर लोगों का ये भी कहना है कि जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ रही है उनका भी इलाज नहीं किया जा रहा है, इसके कारण कई लोगों की ऐसी मृत्यु हुई है जिनका इलाज कर नहीं किया गया। नहीं, ये जब जितने भी है जिनका एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आने के बाद हम उनको जो सिम्टोमेटिक लोग हैं उनका हम RT-PCR के लिए सैंपल भेजते हैं। RT-PCR हमको मेडिकल कॉलेज नागपुर या गोंदिया भेजना पड़ता है, उसको में आने में 2 या 3 दिन लगते हैं, तब तक हम उनको आइसोलेशन वार्ड में एडमिट करके उनके ऊपर उपचार करते हैं। वो उपचार में कभी बहुत बार के उसका सैचुरेशन देख के और CT स्कैन की रिपोर्ट देख के ये सस्पेक्टेड कोविड जैसे चेंजेस रहने के कारण उनको आइसोलेशन में एडमिट करते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि आपके हॉस्पिटल में स्टॉक बराबर नहीं होने के कारण भी पेशेंट पे बराबर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये बात तो सरासर सही है, क्योंकि हमारे पास NRHM के अंतर्गत कोरोना के लिए हमने बहुत 2-3 बार एडवर्टाइज निकाली है, लेकिन हमको जितना स्टाफ चाहिए उतना मिल नहीं पाया। कुछ स्टाफ आता है
ज्वाइन होता है और दो दिन में आइसोलेशन वार्ड की ड्यूटी देख के चले जाते हैं। हमने दो तीन बार एडवर्टाइज दिया, अभी तो हमने वॉकिंग इंटरव्यू रखा है कि जिसमें डायरेक्ट आए और उनको जो विलिंग है उनको ऑर्डर दे। सर आप ये बताइए सर, कोविड सेंटर में कितने डॉक्टर काम कर रहे हैं, कितने आपके पास स्टाफ अवेलेबल है जिसके कारण आप हॉस्पिटल संभालते हैं पूरी तरह से समर्थ नहीं हो? अभी तक तो NRHM के अंदर का स्टाफ नर्स जो ज्वाइन हुई है नियर अबाउट 33 हुई और कल 22 स्टाफ नर्स ज्वाइन हो गए, लेकिन क्या है कि उसमें 6 ब्लॉक्स है आइसोलेशन वार्ड में, तो 6 ब्लॉक को संभालने के लिए और स्टाफ नर्स की ज़रूरत है। बताइए आपका प्रॉपर जो हॉस्पिटल में स्टाफ रहता है वो कितना है और किस प्रकार से आप उसको नियोजन कर रहे हैं? इसमें हॉस्पिटल में दो तरह के, एक नॉन कोविड हॉस्पिटल जो अपने रेगुलर चेकअप और ऑपरेशन होते हैं, और कोविड जिसमें कोविड के जितने रुग्ण हैं वो एडमिट होते हैं। तो इसमें जनरली हमारे पास जो फिजिशियन और एनेस्थेटिस्ट है कोविड के इसमें मिले नहीं हमको, तो जो रेगुलर जो फिजिशियन है वही वहाँ काम कर रहे हैं, रेगुलर हमारे मेडिकल ऑफिसर वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि बहुत सारे अभी डॉक्टर लोग हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं, उसके कारण जो सिस्टम है थोड़ी सी अड़चन निर्माण हो जाती है हमको, तो इसके कारण ट्रीटमेंट में थोड़ा सा डिले तो नहीं होता लेकिन रुग्णों को सर्विस देने में थोड़ी अड़चन आ जाती है। क्या सर क्या लगता है आपको ये कब तक आपका जो ऑफिस का स्टाफ का है या पेशेंट को सही तरह से इलाज ये कब तक मिल पाएगा? ये पूरा स्टाफ भरने के बाद उनको सर्विसेज मिल पाएंगी, लेकिन वही अभी भी सर्विसेज मिल रही है और जनता को पूरा तरीके से सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे। सर क्या भंडारे प्राइवेट सेक्टर में भी कोरोना कोविड के लिए कुछ दवाखाने नियुक्त किए? हाँ, अभी अपने माननीय जिलाधिकारी सर के आदेश से हमने 3-4 हॉस्पिटल ये कोरोना हॉस्पिटल करके घोषित किया है। क्या बताएंगे कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसमें कोविड के लिए नियुक्त किए हैं, किस प्रकार नियुक्त किए और कौन से होते हैं? एक पहले तो राजदीप चौधरी ने स्वखुशी से चालू किया, विनती पत्र दे कि मुझे चालू करना है, उनको देख के बाकी फिजिशियन भी सामने आए, जैसे डॉक्टर नान्ये है, डॉक्टर पडोड़े है, डॉक्टर भूपेंद्र ध्रुवे है, और इसमें रॉयल प्लाजा में डॉक्टर व्यास और डॉक्टर मनोज चौहान वो वहाँ भी हॉस्पिटल खोलने की तैयारी में है। दिस न्यूज प्रोड्यूस्ड बाय जेड इंटरप्राइजेस। अब भंडारा शहर में भी उपलब्ध है MI के अलग अलग प्रोडक्ट्स, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, जाइए राजीव गांधी चौक के जेड इंटरप्राइजेस में और खरीदे अपने मनपसंद MI प्रोडक्ट्स। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जुबैर अहमद 9284466878 पर। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से BS Crime India News.com की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।